आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। आपको बता दें कि सुबह 8:17 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। 5:36 तक सूर्य ग्रहण की अवधि रहेगी। आपको बता दें कि एक साल में 3 या उससे 12 अगर सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसे शुभ नहीं माना जाता और ये साल का 3रा सूर्य ग्रहण है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के चलते देश भर के अधिकतर मंदिरों के कपाट यहां पर बंद रहेंगे। 10:57 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर सूर्य ग्रहण की। ग्रहण जब समाप्त होगा उसके बाद ही मंदिरों के कपाट खुलेंगे। आपको बता दें कि तमाम सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, जैसे कि अगर आप सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं तो ऐसे में सुरक्षित उपकरणों और उचित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं वो आपकी आंखों को बहुत गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति को उचित सुरक्षा के बिना थोड़ी देर के लिए भी सीधे सूर्य को नहीं देखना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आपकी निगाह सूरज पर पड़ जाती है तो तुरंत अपनी नजरें वहां से हटा लीजिए, क्योंकि अगर आप नंगी आंखों से सूरज को देखेंगे सूर्य ग्रहण के वक्त तो वो आपकी आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक है। तमाम चीजों का आपको ध्यान भी रखना है, जैसे कि अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। वहीं अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखें। वहीं ग्रहण के बाद नकारात्मक किरणों के असर से बचने के लिए नहाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद जो लोग दान कर सकते हैं उन्हें दान करना चाहिए। घर और मंदिर को अच्छी तरीके से साफ करिए, सब्जियों और फलों को अच्छे ढंग से पानी से धो लें। वहीं खाने पीने की चीजों को खुले में नहीं रखना चाहिए। ये तमाम वो बातें हैं जिनका आपको ख्याल सूर्य ग्रहण के दौरान रखना है अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। अगर राशियों की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो धनु राशि में पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका असर देखा जाएगा, लेकिन जिन लोगों के लिए ग्रहण खराब असर लेकर आ रहा है उन्हें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य ग्रहण का असर सिर्फ 7 दिनों तक ही रहता है, इसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है। वहीं सूर्य ग्रहण के वक्त आप बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करें, पूजा पाठ पूरी तरीके से वर्जित होती है, इसीलिए मंदिर के कपाट भी बंद रखे गए हैं। जिन घरों में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित है वहां पर मंदिरों के दरवाजे को बंद रखिए, ग्रहण के बाद ही मंदिरों के दरवाजे को खोलिए। वहीं सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि दुनिया में सूर्य ग्रहण सबसे पहले भारत की धरती से दिखना शुरू होगा। बड़ी बात आपको यहां पर बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण दुनिया में सबसे पहले भारत की धरती से दिखना शुरू होगा और 1:35 तक सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। वहीं अगर उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच भी दिखाई देगा इसी वक्त पे। अगर अन्य देशों की बात करें तो भारत के अलावा ये पूर्वी यूरोप, उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा। बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत लग रहा है। आपको बता दें कि अगला सूर्य ग्रहण भारत में 21 जनवरी 2020 को दिखाई देगा, यानी कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, 3रा और आखिरी सूर्य ग्रहण, और तस्वीरें बेहद खूबसूरत। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले सूर्य ग्रहण भारत में दिखना शुरू हो चुका है। वहीं अगर इसको समझा जाए कि आखिर सूर्य ग्रहण पड़ता कब है तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और सूरज पूरी तरीके से या तो पार्शली आप कह सकते हैं यानी कि आंशिक रूप से ढक जाता है। इस तरीके से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का व्यास सूरज से छोटा होता है। इसके कारण सूरज रिंग ऑफ फायर की तरह दिखता है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर की तरह सूरज आपको दिखाई देगा। तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी विनय सिंह। विनय, सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में तमाम क्या वो सावधानियां हैं, हालांकि हम जनता को बता रहे हैं लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे तमाम वो क्या सावधानियां हैं जो जनता को बरतनी चाहिए। देखिए, आपने कहा था कि सूर्य ग्रहण को लेकर लगातार कई तरह की बातें होती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मनाही की जाती है, क्योंकि आज बादल भी है तो हालांकि इतना
जो विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं होगी, लेकिन क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्टि देखने के लिए मनाही की जाती है, लगातार कहा जाता है कि किसी एक्सरे या किसी माध्यम से देखा जाए। इसके अलावा जो पौराणिक जाते हैं उसमें कहा जाता है कि समय में खाना नहीं खाया जाता है, कोई दूसरा काम नहीं किया जाता है, सूर्य ग्रहण के बाद ही जो बाकी अन्य काम किए जाते हैं। जी विनय, अगर यहाँ पर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले सूर्य ग्रहण दिख रहा है, ऐसे में सबसे खूबसूरत तस्वीरें सूर्य ग्रहण की सबसे पहले भारत से मिलेंगी। जाहिर तौर पर बात है कि सूर्य ग्रहण जो है आज वो कई मायनों में अहम है, और क्योंकि भारत में ही सबसे पहले इसका टाइमिंग है, भारत में सबसे पहले है, इसलिए सारे सब जो आसपास के जो देश है सबकी नजरें भारत के ऊपर रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे एक ये कहा जाता है कि रिंग की तरह जो आकृति दिखाई देती है उसका जो खूबसूरत नजारा है वो सबकी जो निगाहें है भारत की तरफ है, क्योंकि इसीलिए लगातार जो एस्ट्रोनॉट है वो लगातार उस पर नजर बनाए हुआ है कि किस तरह से जो उसकी शेप है और जो लगातार रिंग की शेप के लिए जो बेहतरीन नजारा होता है तब वो उसका इंतजार कर रहे हैं। जी जी विनय, यहाँ पर अगर बात की जाए राशियों की तो ऐसा कहा जा रहा है कि सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कौन सी वो राशियां हैं जिन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? विनय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले फिलहाल आपको बता दें कि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण भारत में 21 जून 2020 को दिखाई देगा। तीसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज है और सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। हम बार बार आपको बता रहे हैं उन तमाम बातों को जिनका आपको ख्याल रखना है। सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्रों का जाप करते रहिए। गर्भवती महिलाओं की अगर बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वही सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के बाद नकारात्मक किरणों के बचने के लिए, असर से बचने के लिए यहाँ पर नहाना चाहिए। वहीं अगर सूर्य ग्रहण के बाद जो लोग दान करना चाहते हैं वो दान भी कर सकते हैं। घर और मंदिर को अच्छी तरीके से साफ रखिए। और मंदिर की अगर बात की जाए तो अपने मंदिर के कपाट को फिलहाल बंद कर दीजिए। मंदिर की पूजा, आप कह सकते हैं कि मंदिर के कपाट मत खोलिए और ना ही भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान की पूजा करना वर्जित है। अगर जानकारी की बात करें तो जानकारी के मुताबिक 5 घंटे 36 मिनट तक दुनिया भर में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सबसे पहले ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार यहां पर होगी 8:17 पर। वहीं धरती पर ग्रहण की शुरुआत सऊदी अरब के होफूफ के पास होगी, लेकिन इस वक्त वहां पर सूर्योदय नहीं हुआ होता है, इस वजह से यहां पर उसका असर नहीं दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साल का तीसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण, और विनय हमसे वापस से जुड़ चुके हैं। विनय, अगर इस वक्त की बात की जाए तो क्या कुछ खास सावधानियां बरती जा रही हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, क्योंकि हमारी आंखों को अगर हम नंगी आंखों से देखें तो खासा नुकसान पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सूर्य ग्रहण सीधी आंखों से देखना काफी खतरनाक होता है, खासकर आंखों के लिए, और इसीलिए जो जहां पे भी तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए वहां पे टेलीस्कोप के जरिए, और ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास कुछ कोई ऐसा साधन नहीं है तो फिर रिंगिंग फिल्म या फिर एक्सरे के माध्यम से इसको देखा जा सकता है। और इसीलिए और क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है और इसलिए ये दक्षिण जो भारत है वहां पे इसकी जो आकृति है वो ज्यादा वहां पे साफ दिखाई देगी, हालांकि अन्य भागों में इसको आंशिक रूप से देखा जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए दक्षिण भारत की तरफ तो वहां पर इसको ज्यादा जो ये कहा जा रहा है कि रिंग के आकार का ये बनेगा तो वहां पे इसकी विजिबिलिटी होगी, और अन्य जो भारत देश के भारत के इलाके हैं वहां पे इसको आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। जी यहाँ पर अगर विनय देखा जाए तो साल का तीसरा आखिरी सूर्य ग्रहण है, ऐसे में कहा जाता है कि अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा सूर्य ग्रहण पड़ते साल में तो वो अच्छे नहीं होते ज्योतिष के लिहाज से, अगर इसे समझना चाहे तो ये बात कितनी सही है? देखिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण को लेकर सबके अपने अपने प्रयास होते हैं, और क्योंकि भारत में कई पौराणिक कथाएं हैं, कई रीति रिवाज हैं, तो इसलिए इसको अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि ये लगातार अलग अलग बातों को लेकर कयास है, अलग अलग लोगों की इस पर जानकारियां हैं। तो कई लोगों का मानना है कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण कई लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण को कई लोग अच्छा नहीं समझते हैं, और इसीलिए वो उनका कहना है कि अगर इस तरह से सूर्य ग्रहण लगते हैं तकरीबन तीन सूर्य ग्रहण, तो वो कहीं ना कहीं जो लोगों की राशियां हैं या लोगों के जीवन
आचार विचार है उस पर असर जरूर डालते हैं जी। यहाँ पर बिना आप राशियों की बात कर रहे हैं, अगर राशियों की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तमाम राशियों पर, तमाम राशियों पर नकारात्मक भी प्रभाव पड़ेगा। 12 राशियां होती है, ऐसे में अगर इनके प्रभाव की बात करें तो कौन सी राशि जो फायदे में रहेगी, कौन सी राशि जिसका नुकसान होगा? देखिए बात की जाए अगर राशियों की, क्योंकि सूर्य ग्रहण का ये जरूर कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण का जो असर है वो लोगों की राशियों के हिसाब से, जो कि उनके जो जन्म तिथि है, जो नाम है, उनके हिसाब से तय की जाती है, तो उनपे राशियों पे इसका अच्छा खासा का असर रहता है। और इसीलिए जो अलग अलग राशियां हैं वो उनपे इसका असर अलग अलग रहता है। और इसीलिए बात की जाए अगर राशियों की, तो जो 12 राशियां होती हैं उनमें से अलग अलग जो प्रभाव यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, और इसका जो असर आपकी, आपको बता दूं कि अलग अलग जो राशियां हैं उस पे अलग बात पड़ेगा। अगर बात की जाए मेष वालों की, तो इसका सेहत का खास ध्यान रखना होगा, वहीं मानसिक तौर पर उनकी परेशानियां रहेंगी। वहीं अगर बात की जाए वृषभ राशि के लोगों के लिए, तो ये सूर्य ग्रहण अच्छे फल देने वाला वृषभ राशियों वालों के लिए नहीं है, इसमें दुर्घटना के योग बने रहे हैं। अगर बात की जाए मिथुन राशि के, तो इसमें मिथुन राशि वालों के लिए जीवन साथी के लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है, शादीशुदा जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो इस तरह से अलग अलग राशियों का अलग अलग असर है, खासकर अगर बात की जाए धनु कन्या और वृष राशि के लोगों को, तो उनको काफी परेशानी का सामना इस पूरे ग्रहण से उठाना पड़ सकता है। जी विनय बने रहेंगे आपके साथ, सीधे रुक करेंगे वाराणसी का, जहां पर हमारे सहयोगी राम सुंदर हमसे जुड़ चुके हैं। राम सुंदर, जिस शहर में आप हैं वो पूजा का शहर कहा जाता है, ऐसे में सूर्य ग्रहण को लेकर वहां क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए आस्था का शहर वाराणसी है, और यहाँ वाराणसी और काशी में कल देर रात से ही सूतक काल लग गया है, और इसका प्रभाव मंदिरों में देखने को मिला है जी। सबसे पहले जो देर होने वाली है कि रात की आरतियां थी, शयन आरती वगैरह, ये सब नहीं हुई है, क्योंकि 8 बजे शाम से ही सूतक लग गया था, और उसके बाद से जो है यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ जैसा कार्यक्रम नहीं हो रहा, सिर्फ मंत्रों का जाप लोग कर रहे हैं। और साथ ही जैसे ही सूर्य ग्रहण का मोक्ष प्राप्त होगा सूर्य को, वैसे ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे लोग जी। ये सबसे ज्यादा वाराणसी वगैरह में ही यहाँ पर सूर्य ग्रहण का कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग यहाँ पर इसके बाद में गंगा में डुबकी लगाते हैं। राम सुंदर, अगर यहाँ पर हम बात की जाए राशियों की करें, तो हम विनय से भी यही बात कर रहे थे, राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए अलग अलग राशियों का अलग अलग प्रभाव है, और क्योंकि कल विद्वानों से बात हुई, विद्वानों ने कहा कि जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण लग रहा है उसको देखते हुए हर राशि का अपना अपना प्रभाव, कहीं अच्छे लाभ की स्थिति में है तो कहीं हानि की भी पहुंचा रही है राशियां, लेकिन सारे राशियों पर अलग अलग प्रभाव है जी। राम सुंदर, मंदिर में इस वक्त पूजा पाठ वर्जित कर दिया गया है, कपाट भी बंद कर दिए गए हैं, ऐसे में कपाट कब तक खुलेंगे मंदिर के? देखिये 11:40 से मुख की स्थिति बनेगी, उसके बाद से कपाट खुलेंगे और मंदिरों के दर्शन होंगे। यहाँ की बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के जो मंदिर है वो भी कल देर शाम 8 बजे के बाद बंद कर दिया गया था, और रात को होने वाली शयन आरती बंद हो गई थी, और माँ गंगा की होने वाली प्रतिदिन की आरती, जो दैनिक आरती होती है गंगा सेवा निधि द्वारा, वो भी बंद थी, नहीं कल शाम को हुई लेकिन आज सुबह वाली नहीं हुई थी। इस प्रकार से सुबह से, मतलब कल देर रात से ही जब सूतक काल लग गया 12 घंटे पहले, उसके बाद से वाराणसी में मंदिरों में जो पूजन पाठ था वो पूरी तरह से बंद है। ये घरों में भी लोग काफी कर रहे हैं, बैठ के जो है पूजा पाठ मंत्रों का जाप कर रहे हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए राम सुंदर। विनय वापस से आपके पास लौटेंगे। राम सुंदर को आप सुन रहे थे, लोग यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने की बात कर रहे थे। अब अगर बात की जाए दिल्ली नोएडा की, तो दिल्ली नोएडा में तो गंगा नहीं है, ऐसे में लोग अगर हम सब्स्टिट्यूट ढूंढे, अल्टरनेट ढूंढे, तो क्या कुछ निकालेंगे इसका? देखिए गुरांशी, अगर बात की जाए, चूंकि आज सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे में जरूर लोग स्नान करते हैं, और ये काफी अहम होता है। तो इसीलिए चूंकि दिल्ली और NCR के लोगों के लिए आसपास इस तरह की दो गंगा
नदी नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरुक्षेत्र जो कि नजदीक पड़ता है और वहाँ पे ब्रह्म महासरोवर है, तो उस ब्रह्म महासरोवर में भी आज जरूर वहाँ पे टाटा लगा हुआ है लोगों का डुबकी लगाने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अगर संभव हो कुरुक्षेत्र जहाँ पे ब्रह्म महासरोवर है वहाँ पर ये डुबकी लगाकर ये जो स्नान है वो पूरा कर सकते हैं। जी विनय, आज हम सुबह कुछ बच्चों को बात करते हुए देख रहे थे मीडिया से, वो टेलीस्कोप से यहाँ पर सूर्य ग्रहण को देखना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों की जो संख्या थी विनय काफी कम थी। अगर हम वापस से कुछ समय कुछ साल पहले जाएं तो बच्चों में बड़ा उत्साह होता था, हम लोग बड़ा जाते थे सूर्य ग्रहण को देखने के लिए टेलीस्कोप से। आपको नहीं लगता है कि अब बच्चे इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जमाना ये कह सकता है कि वक्त बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मोबाइल की दुनिया आ गई है, टीवी पर सारी चीजें आप लोगों को घर बैठे देखने को मिल जाती है, तो ये तमाम कारण है जिसको कि ठंड का मौसम भी बहुत है और ऐसे में ठंड में जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, वो भी अपने बच्चों को घर से बाहर कम निकलने दे रहे हैं। तो इसलिए तमाम तरह की सुविधा जब मोबाइल पे लाइव या फिर टीवी माध्यम की तरफ से लाइव अगर कोई इंसान देख लेता है तो जाहिर तौर पर बात है कि वो उत्सुकता काफी कम हो जाती है। हालांकि फिर भी कई स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे सूर्य ग्रहण देख सके। इसके अलावा यहाँ पे जो कई जिस तरह से दिल्ली का जो तारा मंडल है वहाँ पे ये सुविधा है कि लोग आकर वहाँ पे टेलीस्कोप या अलग अलग माध्यम से सूर्य ग्रहण देख सके। तो इसी तरह से हर स्कूल में हर तरह से अलग व्यवस्था है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो सूर्य ग्रहण के बारे में जान सके, समझ सके और देख सके कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए।